फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो टाइम 9 बजने वाले हैं, 9 नहीं मतलब अभी 8:30 हो रहे हैं और मेरी पूजा हो गई है। मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैंने कहा चलो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो पूजा हो गई है और काम भी हो ही रखा है, लेकिन घर फैला इसलिए है कि थोड़ा एक टच तो देना ही पड़ेगा। बच्चे घर में ही हैं, आज छुट्टी है, हस्बैंड भी घर में ही है। तो अब जाके मैं इनके लिए बनाऊंगी नाश्ता। बच्चे भी नहा रहे हैं, जैसा आप पानी की आवाज़ सुनी रहे होंगे तो बच्चे नहा रहे हैं। और तो अब इनके लिए बनाती हूँ नाश्ता और उसके बाद थोड़ा फाइनल टच दे के और फिर निकलती हूँ अपने कोचिंग की तरफ। पता कमर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने टाइम से घर में ही बैठे बैठे थे, तो अब थोड़ा मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत भी क्या है, बट वहीं पे वहाँ पे ना बेंच है, स्टूल टाइप के है, मतलब उनमें बैठ बैठ के शायद उनसे ही हो रहा हो, या स्कूटी चलाने से इतना हो रहा हो, या आके नहाती हूँ उससे हो रहा, पता नहीं क्या है किससे हो रहा है, बट कमरे में बहुत दर्द हो रहा है। तो चलो नाश्ता बनाती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे बनाने लगी थी मैं नाश्ता और वही गोभी के पराठे बनाने थे बच्चों के लिए। और बच्चों की आज छुट्टी थी तो आज ये था कि जल्दी भी नहीं उठी थी, आराम से ही उठी थी और मतलब थोड़ा रिलैक्स था और देर में भी उठी। पता आज देर में उठो तो काम भी थोड़ा लेट लेट ही होते हैं। तो चलो वैसे तो टाइम पर निकल गई थी मैं, ऐसा कुछ इशू नहीं था। तो बस यहाँ पर ये कि नाश्ता बना के रख दूँगी, करेंगे तो बच्चे बाद में ही, और पहले तो गर्मा गर्म मिल जाता था, लेकिन अब ये है कि चलो वैसे तो वो ट्रक है, नहा रहे वगैरह हैं तो कर लेंगे अभी नाश्ता। और बच्चों को ना वो रहता है, मतलब जैसे दो टाइम खाने की आदत है, वैसे सुबह ना मतलब ज़बरदस्ती एक एक रोटी खिला के भेजती हूँ, बट ये कि फिर दिन में खाने की आदत रहती है। 10 बजे लंच होगा होता होगा उनका, तो उस समय भी आदत रहती है, तो बना के रख दूँगी, फिर भूख लगेगी उन्हें तो खा ही लेंगे जैसा भी होगा। पापा तो हैं ही उनके घर में तो दिक्कत नहीं है। और फिर मतलब वो ये आज अब तो ऐसी एक दिन छुट्टी एक दिन स्कूल है, तो ये थोड़ा रिलैक्स है माइंड ना। तो बस यहाँ पे बनाती हूँ रोटी, फिर देखती हूँ आगे क्या काम करना है। सुबह मैंने ये सब सही किया, आज तो रात को भी नहीं किया था, आज सुबह किया था कि छुट्टी। और ये देखो बच्चों के हाल, अब मैं नहीं कहते मैंने भी नहीं कहा। तुम्हें पता नहीं है कि मम्मी को जाना है, देर होती है। और उनको खेलना था, कहने से खेलना था, ऐसे खेलते हैं। मुझे कैसी खेलना पसंद है। तो चलो मैं चाय पीती हूँ। हाँ। पराठे मैंने बना दिए अपने बच्चों के लिए, पराठे खाओगे? हाँ। कल आपने पापा से क्या करोगे पराठे? तो चलो हो गया है और खाइए, दे रहे हैं नाश्ता। मैं पीती हूँ चाय और फिर निकल। अभी मुझे बेडशीट भी बिछानी है, कल ना मैंने नीचे गद्दे लगा देते। तो ब्रश क्यों नहीं किया मैंने? तब जा करके आ जाओ, तब नाश्ता होगा। देखा आपने, ब्रश पहले नहा गए, अब ब्रश हो रहा है। तो चलो बाद में मिलूंगी आप। तो चादर भी मैंने बिछा दी है, अब मैं पाल वगैरह बनाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय ना मैं ठंडी पीती हूँ, तो तैयार हो जाती हूँ।
भी ना ब्रेक टाइम है, बीच में मुझे ब्रेक मिलता है, मुझे मिलता है मतलब क्लास थी जिस टाइम पे, तो इस टाइम पे मैं बैठी रहती हूँ। फिर 3 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होती है, तो 1.5 घंटा बीच में ब्रेक रहता है, उसमें मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, ऑनलाइन जो भी पढ़ना है वो पढ़ लेती हूँ, मतलब जो मैं पढ़ती हूँ वो रिविज़न कर लेती हूँ ना। और तो बस अभी मेरा ब्रेक टाइम, फिर अब जाते समय का चला जाए, आपको अपनी क्लास रूम दिखा देती।